हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं द अनफोल्ड ट्रुथ। जब देश में चुनाव का माहौल होता है तो तरह तरह के मुद्दे होते हैं, तरह तरह की घटनाएं होती हैं और बयानबाजियां होती हैं। ऐसे में कई वीडियोस भी सामने आते हैं, तो आज मैं आपके सामने कुछ वीडियोस लेकर आई हूँ, वो वीडियोस जो आज सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। ये वीडियोस आपको देखना बेहद जरूरी है क्योंकि आप एक वोटर हैं और आप वोट देने जाएंगे, तो सही से वोट दे पाए और इन घटनाओं को ध्यान में रखकर वोट दे पाए, ये भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो से। पहली वीडियो अलीगढ़ से है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो आजाद भारत की है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और निष्पक्ष देश की। एक तरफ भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक औरत के कपड़े को, एक औरत के वस्त्र को आग लगाई जा रही है। ये है हमारा भारत, नया भारत जिसका हमें सपना दिखाया जा रहा था। शायद यही वो नया भारत है जिसके सपने हमें चुनाव के दौरान दिखाए जा रहे थे। दूसरा वीडियो है पत्रकार पंकज कश्यप का। आपको वो याद होगी लखनऊगढ़, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, कितना हाई वोल्टेज ड्रामा उसने क्रिएट किया था, बिना मतलब के इल्जाम लगाए थे। बस वैसा ही एक हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की इन कार्यकर्ताओं ने, महिला कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया, जब उनसे सवाल किए गए और उनके पास सवालों का कोई जवाब नहीं रहा। आप ये वीडियो देख लीजिए। अरे के गुंडों का काम नहीं है, तू का ठेका लिखा है क्या? अभी ज्यादा करेंगे तो बता देना यार, समझ लेना। तमीज जी नमस्कार, बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त आप बर्दाश्त का है, ऐसे ही आप गुंडे लोग हैं तो कहाँ बर्दाश्त करेंगे? ज्यादा नहीं ठीक है ना, अब पीट देंगे, अभी जो होना होगा हो जाएगा, मैडम ज्यादा हो जाएगा, हां हो जाएगा, तुम हटो, साथ हम से मिलते हैं, चल चल, अब तुम ये वीडियो बना दे, नहीं मार, तुम मुझे मार, इन्होंने पत्नी प्रधान को ऐसे फर्जी मुकदमा लगवाया, ये कह रही है हाथ पकड़ा, गाली दिया, बताइए दादी, खा जाइए, मैंने गाली दी, हाई प्रोफाइल ड्रामा, हाई प्रोफाइल ड्रामा, पूरा वीडियो है हमारे पास, पूरा वीडियो है हमारे पास, हाई प्रोफाइल ड्रामा है, पूरा वीडियो है हमारे पास, हाई प्रोफाइल ड्रामा, समाजवादी वाले साले, पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा है आपका, पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा है दादी, ये करें गाली दिया, मैंने हाथ पकड़ा, क्या आदमी है आज आके लड़की साहब का वो बदले, लड़की साहब को खास दिया, गाली साहब बताइए, इधर इधर देख लीजिए माताओं बहनों और जो भी हमारे भाई देख रहे हो, कितना हाई प्रोफाइल ड्रामा रचा है, कह रहे हैं गाली, पूरा वीडियो है इसमें, और ये कह रहे हैं गाली, मैंने अगर एक भी गाली दी हो मुझे अभी फांसी चढ़ा दी जाए, अगर मैंने इनका हाथ पकड़ा हो तो मुझे अभी फांसी चढ़ा दी जाए, बता दीजिए माता, अच्छा ए अम्मा बता दो, मैंने हाथ पकड़ा है, नहीं मैंने पकड़ा है हाथ, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने गाली दिया, मैंने हाथ पकड़ा है, तो देखा सत्ता का नशा इतना है कि मैडम ये भूल गई कि वीडियो चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और बोल गई जो भी मुंह में आया,
उनको ये भी नहीं पता चला कि पूरा वीडियो शुरू से अंत तक की रिकॉर्ड हो चुका है, जहां पर उस लड़के ने, उस पत्रकार ने क्या कुछ कहा और इन्होंने क्या कुछ कहा, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। कहती है मेरे क्षेत्र में आ तुझे देख लूंगी, जैसे शब्दों का ये प्रयोग कर रही है। और ये सभी लोग वहां मौजूद, जो जितने भी लोग हैं, सब देख रहे हैं, सब अपने मुंह से बोलते हैं कि हमने सुना है कि तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये उल्टा उस लड़के पर इल्जाम लगाने लगती हैं कि तुमने गाली दी, तुमने मुझे गाली। जानकारी मिली कि पत्रकार जो पंकज हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, हालांकि अब उनको रिहा करने की मांग की जा रही है। तीसरा वीडियो कानपुर पोलिंग बूथ से आया है, वोट चल रहे हैं, वोटिंग हो रही है। ऐसे में जो है ये वीडियो कानपुर से आया है, जो भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता का है। तो ये कानपुर पोलिंग बूथ का वीडियो है जो आपने देखा। यहाँ पे सीआरपीएफ जवान से भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री की जो है बहस हो जाती है, और उस दौरान सीआरपीएफ जवान से कहते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। इस तरीके से, इस तरीके की भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। अमित शाह जी चुनाव के दौरान काफी बिजी हैं, जगह जगह चुनावी रैलियों में जा रहे हैं प्रचार के लिए। और इसी दौरान रायबरेली के उंचाहार से एक वीडियो सामने आया है, यहाँ पर वो पहुंचे हैं और उनका ये जो वीडियो है आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, अरे अखिलेश किसको डरा रहे हो भाई? मैं इतने सारे युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे, जितने भी युवा 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेंगे सबको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यानी कि आप 12th पास करने के बाद इंटर में एडमिशन ले लीजिए तो आपको स्मार्टफोन और लैपटॉप मिलेगा। तो अगर अमित शाह जी इतना और बता देते कि 12th पास करने के बाद कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है तो शायद स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा आसानी हो जाती। खैर, वो या पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। कहते हैं ना कि नेता और जनता दोनों के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। ये थी आज की कुछ वायरल वीडियोस। इसी तरीके की तमाम वीडियोस देखने के लिए आप अनफोल्ड ट्रुथ को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप रह सके हर खबर से अपडेट।